नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने अपने चैनल पे जितने भी लास्ट वीडियोस डाले हैं उसमें कभी भी किसी भी टॉपिक को उठाकर पढ़ाया नहीं है। मैंने सारे के सारे जितने भी वीडियोज अभी तक थे सारे के सारे वीडियोज में प्रैक्टिस सेट थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम किया था, और अब हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स की थ्योरी वाइज और क्वेश्चन वाइज उनको सॉल्व करेंगे। पहले मैं जो टॉपिक उठाऊंगा उसके कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा आपको, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन पे काम करेंगे। और ये हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक्स मतलब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एक एक करके सारे टॉपिक्स पे काम करेंगे और बहुत अच्छे से। तो जितने भी लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं यूट्यूब पे और फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको पूरी की पूरी मैथ पढ़ने को मिलेगी, मतलब जीरो से लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जहां तक आप अच्छे से कर सकते हैं वहां तक की। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो सबसे स्टार्ट करते हैं वो कहां से स्टार्ट होता है, तो वो होता है आपका स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से, संख्याओं के वर्गीकरण से। तो वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, संख्याओं के वर्गीकरण से जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। अगर हम लोग सम्मिश्र संख्या की बात करें तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, जिसको हम लोग जिसमें ए वाला जो पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है और जो आई बी वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं इमेजनरी नंबर, इमेजनरी पार्ट कहते हैं। तो अगर हम इमेजनरी पार्ट की बात करें तो इमेजनरी पार्ट में जब आप देखते हैं तो आई आई आता है और आई का जो वैल्यू होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। ये आपका आई का वैल्यू होता है जिसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन कहते हैं। तो अगर हम लोग आई स्क्वायर देखेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो आ जाएगा माइनस का वन। आई क्यूब का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो हो जाता है आपका माइनस का आई, और आई की पावर फोर का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये हो जाता है आपका प्लस का वन। ये चार वैल्यूज आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इन चारों वैल्यूज को थोड़ा सा ध्यान रखें। आई का वैल्यू जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपको ये दे रखा है माइनस का रूट ऑफ सेवन, तो आप इसको आराम से ये लिख सकते हैं रूट सेवन आई, ये लिखा जा सकता है इसको, ये याद रखिए। तो ये इमेजनरी बहुत यूज नहीं है एसएससी में इमेजनरी पार्ट का, बट छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें। एक और बहुत अच्छा पॉइंट इसका याद रखिएगा कि आई की कोई भी लगातार चार घातें अगर आपको दे रखी हैं तो उनका जो सम होता है वो हमेशा जीरो होता है, ये बात याद रखिएगा। कोई भी चार कंसेक्यूटिव पावर्स का अगर सम अगर आप देखेंगे तो वो जीरो होगा, तो इनका जो योग देखेंगे वो आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बात को याद रखने की बहुत जरूरत है। जैसे आपको मैंने बता दिया आई की पावर 998, आई की पावर 999, आई की पावर 1000 और आई की पावर 1001। अगर आप ये देखेंगे तो ये आप चारों पावर देख रहे हैं लगातार हैं और सम में हैं, तो इनका जो योग हो जाएगा, जो सम हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुत सारा इमेजनरी पार्ट का यूज है नहीं एसएससी में, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें। सिर्फ आप ये आई का वैल्यू और आई स्क्वायर का वैल्यू, इन छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करें रियल नंबर की, रियल नंबर जो कि सच में यूजफुल है हमारे लिए। रियल नंबर्स का मतलब होता है कि एक नंबर लाइन होती है हमारी माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक जो नंबर लाइन होती है इस पे आने वाला हर एक नंबर रियल नंबर होता है, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे कोई भी नंबर हो, वो आपका जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 4.5 ले लीजिए प्लस का, माइनस का कुछ भी ले लीजिए, 5.9 ले लीजिए आप प्लस का, ये जितने भी नंबर होते हैं वो हमेशा आपका जो होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो इंक्रीज करते हैं, ये बात याद रखिएगा। रियल नंबर जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, ये छोटी सी बात याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया इमेजनरी पार्ट के बारे में और फिर बताया रियल नंबर के बारे में। अब रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और जो दो पार्ट में डिवाइड किया वो क्या क्या है, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिख सकें।
एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिएगा क्या क्या हो सकती है इसके एग्जाम्पल। और यहां पे P एंड Q बिलोंग्स टू एन इंटीजर, P और Q जो होना चाहिए वो एक पूर्णांक होना चाहिए, ये बात याद रखिए। एग्जाम्पल अगर हम लोग इसके देखेंगे तो जैसे हमने देख दिया 2/3, 3/4, 4/5, 8/9, इस तरीके से अगर आप ये सारे नंबर्स देखेंगे तो ये सारे रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। हम 10/1 कह सकते हैं, हम 10/9 कह सकते हैं, ये सारे नंबर जिन्हें P बटे Q के फॉर्म में लिख सके और P और Q एक पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। मेरे हिसाब से आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जिनको ये पॉइंट, जो लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी तक कभी पढ़ा नहीं है, वो लोग क्या करें, इन पॉइंट्स को नोट करते चले, इन पे बेस क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपका आगे करेंगे कि क्या होता है रैशनल नंबर, शायद समझ आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्या की बात करें। तो अगर हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करें तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें P बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसके एग्जाम्पल्स में क्या होंगे, नहीं लिख सकते, याद रखें। एक एक पॉइंट मैं अब आपका क्लियर करने वाला हूं, यहां पे एक एक टॉपिक का एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे केसेस में अगर हम देखेंगे तो सर्ट्स के नंबर आते हैं, लाइक √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स, या वो नंबर्स डेसिमल के कुछ नंबर्स होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो जैसे आप देखेंगे कि उनको डिवाइड करते जाएंगे और वो कटते चले जाएंगे बट रिपीटिंग नहीं होंगे। तो जैसे log 2 को ले लीजिए, log 3 ले लीजिए, ये सारे जो वैल्यूज दे रखे हैं आपको, ये सारे के सारे जो वैल्यूज दे रखे हैं, ये सब के सब इरेशनल है, क्योंकि आप इनको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते कभी। तो अब ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखिएगा, पाई। आप पाई को देखेंगे ना तो पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 की अगर कभी बात की जाएगी तो वो आपका रैशनल नंबर में आएगा, क्योंकि जो पाई का मान होता है वो 3.1416 और डैश डैश भाग देते जाएंगे तो डिवाइड होता चला जाएगा। इस वजह से जो आप देखेंगे वो इस तरीके से, इसको ध्यान रखें कि P बाई 3.1416 हो जाएगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होती है। इसको बात दिमाग में रखें कि ये क्या होता है अपरिमेय संख्या, मैंने बताया रैशनल और इरेशनल के बारे में। अब अगर हम लोग आगे चलेंगे तो रैशनल नंबर की बात करेंगे, तो रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हालांकि रैशनल नंबर की कुछ चीजें डेसिमल में भी आती हैं, हम उनको भी आपका क्लियर करेंगे कि क्या होती हैं। अब हम जब बात करते हैं इंटीजर्स की, पूर्णांक की बात करते हैं, तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक को अगर हम आगे देखेंगे जाके तो पूर्णांक सारे के सारे वो नंबर्स जो अपने आप में पूरे पूरे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक के सारे नंबर्स, अभी हम इसको आगे चल के क्लियर करेंगे कि क्या होते हैं, और फ्रैक्शन को भी आगे बताएंगे आपका क्या होता है। पूर्णांक को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सॉरी, पूर्णांक को अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होते नहीं, न्यूट्रल सिर्फ एक ही होता है, वो होता है आपका जीरो, वो होता है आपका न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 डैश 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 अप टू इनफिनाइट, माइनस इनफिनाइट से चलेंगे तो -5, -4, -3, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो न्यूट्रल होता है वो जीरो होता है। ये आपके इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। भिन्न में आएंगे, फ्रैक्शन की बात करेंगे, भिन्न की बात जब हम लोग करते हैं, फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं, तो फ्रैक्शन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, इन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रॉपर में क्या आते हैं वो समझिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे हमने लिख लिया 2/3, 3/4, 4/5, ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शन में होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आप एक चीज याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है वो हमेशा अंश से बड़ा होता है, ये बात याद रखिएगा। जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा न्यूमिनेटर से बड़ा होता है, ये बात याद रखिएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, इस चीज को याद रखिएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, जैसे 3/2, 4/3, 5/4। यहां पे जब आप ये केस देखेंगे इन सारे केसेस में, तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि अब आपका न्यूमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जो आपका अंश होगा अब वो आपका हर से बड़ा होगा, ये बात याद रखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या है। बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की।
मिश्रित भिन्न की बात करते हो, जब आप टू होल थ्री बाई फोर इस तरीके से लिखते हैं, दो सही तीन बटे चार, थ्री होल फाइव फोर बाई फाइव, ये जो होते हैं इस तरीके के नंबर जो होते हैं ये आपके आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में आते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस इन तीन तरीकों में भिन्न को बांटा गया, जिसको फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो भिन्न को तीन तरीके में बांटा गया, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उन तीनों के बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे, इंटीजर्स को मैंने पीछे बताया है, यहां पे एक बार और आपको बता देते हैं इंटीजर्स के बारे में। निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनाइट से लेके अगर आप स्टार्ट करेंगे और माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन तक आएंगे, और सारे के सारे जो पूरे पूरे नंबर होंगे वो इंटीजर्स होते हैं। इनके अपॉन में जो हमेशा होता है वो वन होता है। न्यूट्रल की बात करेंगे तो जीरो को हम लोग न्यूट्रल में लेते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सारे के सारे जो होते हैं ये सब आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जिनको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करें जो हम लोगों ने इंटीजर्स को पढ़ा, अब होल नंबर की बात करते हैं हम लोग। जब आप होल नंबर की बात करते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है वो कहां से शुरू होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे डैश 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 अप टू चला जाता है। अब हम बात करें नेचुरल नंबर की, जब हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, एक से, एक दो तीन चार पांच, आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, वो सेम होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव डैश डैश अप टू इन्फिनाइट होता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक छोटा सा अंतर होता है कि होल नंबर में जीरो को लेते हैं जबकि नेचुरल नंबर में जीरो को नहीं लिया जाता है। इस बात को याद रखें, कई बार ये कह दिया जाता है कि फर्स्ट फाइव होल नंबर्स का एवरेज बता दीजिए, तो वो जो फर्स्ट फाइव होल नंबर लेंगे आप वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो होल नंबर्स के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे। अब हम बात करें आगे जो बताने जा रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम इसी में आपको बताने जा रहे हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इवन नंबर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इवन नंबर्स में हम लोग लेंगे, इवन नंबर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो इवन नंबर्स में हम लोग लेंगे वो संख्याएं जो दो से पूरी पूरी डिविजिबल होती है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो, जो दो से फुल्ली डिविजिबल हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं डिविजिबल हो, जैसे आपने ले लिया दो चार छ आठ दस, दो चार छ आठ दस डैश डैश, जितने सारे नंबर आपके दो से पूरे पूरे कट जाएं उनको सबको आप लेते हैं इवन नंबर्स में। और ऑड नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी ना कटे, जो दो से फुल्ली डिविजिबल ना हो, ये याद रखें, डिविजिबल ना हो, ये होती हैं आपके ऑड नंबर्स। इसमें आप लेंगे वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन डैश 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 अप टू कहीं तक भी जा सकते हैं। आप इसमें नेगेटिव इंटीजर्स को भी ले सकते हैं, याद रखिएगा, माइनस वाले नंबर्स को भी ले सकते हैं। सेम चीज यहां कर सकते हैं आप, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट डैश डैश, ये याद रखेंगे। अब अच्छा, बात हमने वन टू थ्री माइनस वन ये सब कर ली, अगर हम बात जीरो की कर लें थोड़ी देर के लिए, कि अगर हम जीरो को देखें कि जीरो को हम किस में लेंगे, तो जीरो की अगर हम लोग बात करें तो जीरो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, ये सोचने वाली बात है कि हम जीरो को किस में लें, इवन में लें कि ऑड में लें। तो जीरो को हम लोग लेते हैं हमेशा इवन नंबर में, कि जीरो कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। इसका एक प्रॉपर मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्योंकि जीरो जो कंडीशंस फॉलो करता है वो सारी कंडीशंस फॉलो करता है इवन की। अगर आप किसी नंबर का यूनिट डिजिट देखेंगे तो अगर वो इवन है तभी तो वो दो से पूरी पूरी कटेगी, 22, 24, 26, 20 भी तो आपका दो से पूरा पूरा कटता है। तो अगर ये इवन नंबर नहीं है तो दो से पूरा पूरा कट कैसे रहा है, पहले तो एक ये बात सोच लीजिए। खैर, दूसरी बात अगर हम सोचेंगे, अगर आप कभी दो इवन नंबर्स को जोड़ते हैं, अगर दो इवन नंबर को जोड़ेंगे तो पक्की बात है कि इवन आएगा, या दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो पक्की बात है कि ऑड ही तो भी इवन ही आएगा, दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, इवन आएगा। तो अगर हम यहां पे ये कह दें कि आपने 6 के साथ 0 को जोड़ा है और 6 ही आया है, तो देखिए 0 ने कौन सी कंडीशन फॉलो की, इवन की कंडीशन फॉलो की। अगर आप 5 के साथ 0 को जोड़ते हैं और ये देखिए क्या ये ऑड की कंडीशन कहीं फॉलो कर रहा है, ऑड की कंडीशन में तो ये गलत हो जा रहा है अगर आप देखेंगे तो,
ऑड की कंडीशन में ये गलत हो जा रहा, तो जीरो जो कंडीशन फॉलो कर रहा है वो कौन सी फॉलो कर रहा है, इवन की कंडीशन फॉलो कर रहा है। इस वजह से जीरो को जो हम लोग लेते हैं वो इवन नंबर में लेते हैं, इस बात को याद रखिए। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो दो से फुल्ली डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो से फुल्ली डिविजिबल नहीं होते हैं। उसका प्रॉपर मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बता दिया है। आगे चल रहे हैं, जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे तो अगले पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को देखें तो किसमें किसमें बांट सकते हैं। नेचुरल नंबर की बात करें, अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स हमारे वन से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर को हमने दो पार्ट में बांट दिया। एक हम जिसको कहते हैं प्राइम नंबर्स, और एक जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम का मतलब होता है प्राइम का नंबर होता है अभाज्य संख्या है, और कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या है। ये होती है आपकी अभाज्य संख्या है, और कंपोजिट का मतलब होता है अभाज्य संख्या है। कंपोजिट को हम और भी कई नामों से जानते हैं, है ना, जैसे हम इसको संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहा जाता है कंपोजिट को। जैसे अभाज्य को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, ऐसे करके रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। ये अभाज्य और रूढ़ कहते हैं प्राइम को, कंपोजिट कहते हैं भाज्य, और संयुक्त भी कहते हैं। नेचुरल नंबर हमारे जैसे होते हैं 1, 2, 3, इन सारे नंबर्स को जब प्राइम और कंपोजिट में बांटा गया तो कैसे कैसे बांटा गया कि अगर हम प्राइम नंबर को डेफिनेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो, ध्यान से समझिएगा, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो वो कहेंगे कि those numbers which have only two multiples is called prime numbers। वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे पहले दो की बात करते हैं। दो के सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। अगर हम लोग देखेंगे दो के गुणनखंड तो दो के दो ही गुणनखंड होंगे, एक और दो। तीन के गुणनखंड देखेंगे तो दो ही दिखेंगे, एक और तीन। पांच के गुणनखंड देखेंगे तो दो ही दिखेंगे, एक और पांच। इस तरीके से अगर हम पांच के गुणनखंड देखेंगे तो हमको दो ही गुणनखंड दिखेंगे, एक और पांच, है ना। तो हम इनको ये कह सकते हैं कि दो एक, ये जितनी भी संख्याएं रखी है ये सारी के सारे कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात, जब हम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं अभाज्य संख्या में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो हम बात करते हैं दो की, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमारी क्या हो जाएगी, दो। अगर हम ये कहें कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बात करें, एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बात करें, इवन प्राइम नंबर, एक ही होती है जो इवन भी होती है प्राइम भी होती है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बात करें तो भी हम बात दो की ही करते हैं, ये बात याद रखिएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के लिए हम तीन को लेते हैं। अगर हमसे सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर पूछा जाए तब हम आंसर तीन को लगाएंगे, लेकिन अगर हमसे सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा जाए तो आंसर दो को लगाएंगे। अगर हमसे ये बात कही जाए कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बात करिए तो भी हम आंसर किसको लेंगे, दो को ही लेंगे, ये बात याद रखिएगा। एक छोटी सी और बात यहां से याद रखेंगे कि अगर हम आपसे कह दें कि 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि 50, 51 से लेकर 100 तक अगर आप देखेंगे तो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये कहीं पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, तो 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 1 से लेकर 100 तक में। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड बताए। एक बार हल्का सा रिविजन मारते हैं कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे, Those numbers which have only two multiples, जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो को करके दिखाया कि दो के सिर्फ दो ही गुणनखंड है, तीन के दो गुणनखंड है, पांच के, इन सारे नंबर्स के दो दो ही फैक्टर हैं, तो ये सारे हो गए आपके प्राइम नंबर्स हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। अगर हम लोग भाज्य संख्याओं को डेफिनेशन देंगे जाके तो ये कहेंगे कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक हो, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक हो, गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक हो। अगर हम लोग इंग्लिश में कहेंगे तो ये कहेंगे
कि दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू मल्टीपल्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, वो संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू मल्टीपल्स, ये याद रखेंगे, ये अभाज्य संख्या की भाज्य संख्याओं की बात करते हैं या संयुक्त संख्या की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने चार को लिया, चार के अगर हम लोग फैक्टर देखेंगे तो एक दो और चार, ये देखिए दो से ज्यादा हो गए। हम देखेंगे छह को, अगर हम लोग छह को देखेंगे तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छह से कटेगा, तो इसके कितने मल्टीपल्स हो गए, चार। तो ये जो सारे नंबर्स हैं चार छ आठ नौ, ये सारे नंबर्स आते हैं, इनको हम लोग कहते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं आपके कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, दस हो गया, मतलब ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर पे एक सवाल पूछा गया कि सबसे छोटा अगर हम लोग कंपोजिट नंबर देखें तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमेशा याद रखिए कि चार होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो याद रखेंगे कि कितना होता है, चार होता है। लेकिन अगर सबसे छोटे विषम भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी प्राइम कंपोजिट नंबर की बात करें, विषम भाज्य संख्या की बात करें, तो वो आपकी नौ होती है, ये बात याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी क्या होगी, तो उसका आंसर आप नौ लगाएंगे और सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेगा तो उसका आंसर आप चार लगाएंगे। हमने इतना क्लेरिफिकेशन दिया आपको भाज्य और अभाज्य का, तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि एक कहां गया, एक ना तो अभी तक हमने कभी अभाज्य में जिक्र किया है ना भाज्य में जिक्र किया है। अगर हम बात एक की करते हैं तो एक का फैक्टर सिर्फ एक होता है, और अभाज्य के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए और भाज्य के लिए दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए। एक के ना तो दो फैक्टर है ना दो से ज्यादा फैक्टर है, तो ए के लिए हम क्लियरली ये बात करते हैं कि जो एक होता है ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कहते हैं, ये ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ये बात आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। एक के बारे में कई बार पूछा जाता है कि कैसा नंबर होता है, तो लोग बता देते हैं कि अभाज्य होता है, अभाज्य होता है, तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, ये बात याद रखिएगा एक के बारे में। तो अगर हम लोग एक की बात करेंगे तो ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, और अगर हम बात करते हैं अपने दो सबसे छोटे भाज्य संख्या की तो दो होगा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो आपकी दो होगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो तीन होगी, और भाज्य संख्या में हमने इस तरीके से आपको चीजों को बताया है। ये अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में बताया जिनको हम लोग ने नेचुरल नंबर में बांटा था। अगले स्टेप पे चल रहे हैं, भाज्य अभाज्य के बाद हमारा जिक्र होता है को प्राइम संख्याओं का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं और इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। अगर हम लोग बात को प्राइम की करें तो को प्राइम नंबर्स के लिए बहुत बढ़िया एक अगर हम लोग डेफिनेशन देंगे तो ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, वे संख्याएं दोज नंबर्स विच हैव वन कॉमन मल्टीपल्स, जिनका सिर्फ एक गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। हम इंग्लिश में ये कह सकते हैं दोज नंबर्स विच हैव वन कॉमन मल्टीपल, ये हम लोग कहेंगे सह अभाज्य संख्याओं के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको जैसे बताते हैं, या ये भी कहा जाता है जिन संख्याओं का HCF जो हो वो वन हो, वो संख्याएं जिनका मासा एक हो वो भी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पांच और नौ को ले लिया, पांच नौ को ले लिया, नौ सोलह को ले लीजिए आप, सोलह और पच्चीस को ले लीजिए, या इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन जाएंगे। तो जब आप इनके इनमें कॉमन देखेंगे तो एक ही एकमात्र ऐसा कॉमन है कि एक से ये कट रहे हैं। अगर हम शुद्ध हिंदी में अगर इसे कहें तो वो संख्याएं जो किसी भी सेम पहाड़े से ना कटे, एक को छोड़कर किसी भी सेम पहाड़े से ना कटे। किसी भी सेम पहाड़े से सेंस क्या आ रहा है कि देखिए किसी भी सेम टेबल से कट रहे हैं, एक से कट रहे हैं, तो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड भी होना चाहिए। तो ये 16 25 को देखिए किसी सेम पहाड़े से कट रहे हैं, आप आगे देख लीजिए 25 और आप 38 को देख लीजिए क्या किसी सेम पहाड़े से कट रहे हैं। अगर आप इस तरीके के नंबर्स देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि वो संख्याएं जिनका सिर्फ एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, वो एक गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है, वो वन होता है जो उभयनिष्ठ होता है। तो आप सीधे सीधे से
शुद्ध भाषा में ये समझ सकते हैं कि वो संख्याएं जिन जो किसी भी सेम पहाड़े से ना कटे, मतलब आपस में किसी पहाड़े से कटे ही नहीं, 9 और 16 किसी से नहीं कट रही, 16 25 किसी से नहीं कट रही, 25 और 38 किसी सेम पहाड़े से नहीं कट रही, तो इस वजह से ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और इनका मासा क्या होता है, एक होता है। एक और छोटी सी बात आप यहां पे याद रखेंगे, अगर हम इनके लासा की बात करें तो वो इन संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होता है, इनके गुणनफल के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। सह अभाज्य संख्याओं का लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है, याद रखिएगा कि अगर आप 5 और 9 का लासा लेने जाएंगे तो 45 आएगा, जैसे इसका मासा एक है वैसे इसका लासा भी इनके मल्टीपल के बराबर होगा, कि 16 और 9 का एलसीएम 144 होगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं और को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनके मल्टीपल के बराबर में होता है। अभी आगे जब हम लोग एलसीएम एससीएफ टॉपिक पढ़ेंगे तब इन सब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। ये हमने आपको बताया सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब एक बनता है द्विक अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग कहते हैं द्विक अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब अगर हम ट्विन प्राइम नंबर्स को आपको समझाएं तो ट्विन प्राइम नंबर्स के लिए हम कहेंगे कि वे अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का अंतर हो, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच दो का अंतर हो, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच दो का अंतर हो, जिनके बीच दो का डिफरेंस हो, दो का अंतर हो। इंग्लिश में कहेंगे दोज प्राइम नंबर्स विच हैव द डिफरेंस ऑफ टू। एग्जाम्पल सेट करते हैं इसका, जैसे 3 और 5, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच में जो अंतर है वो 2 का है। 5 और 7, ये भी दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच अंतर है 2 का। आप 7 और 9 को नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये अंतर तो 2 का है लेकिन ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। 11 और 13 ले सकते हैं, 17 और 19 ले सकते हैं, है ना, इस तरीके से देखेंगे 29 और 31 ली जा सकती है, कि वो दोनों अभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए, इस बात को भी याद रखें। ये आपकी कहलाती है द्विक अभाज्य संख्याएं, जिनको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इसके बाद जब हम लोग आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। अगर हम बात करें परफेक्ट नंबर के लिए, अगर हम लोग बात करें परफेक्ट नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर को संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। अब इसके लिए हम क्या डेफिनेशन देंगे या क्या एग्जांपल देंगे, संपूर्ण संख्या अगर हम लोग बात करते हैं परफेक्ट नंबर की, तो हम कहेंगे वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग, जिनके गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों में आप उस संख्या को छोड़ दें, संख्या मैं लिखे दे रहा हूं यहां, संख्या को छोड़ के, जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो। भी एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप, संख्या के बराबर हो, जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूं उससे आप समझ जाएंगे, कि एग्जांपल के तौर पे 6 ले लिया, अगर 6 के हम गुणनखंड देखेंगे तो 1, 2, 3 और 6। अभी मैंने बताया उस संख्या को छोड़ना है, मतलब 6 को छोड़ दीजिए। बाकी अगर हम गुणनखंडों का योग देखें तो उस संख्या के बराबर है 3, 2, 5 और 1, 6, 6 के बराबर हो गया। तो यहां से आप बहुत अच्छे से ये कह सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम 28 को लेते हैं, अगर हम 28 को लेंगे तो 28 के फैक्टर क्या होंगे, ये 1 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, ये 5 6 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये 14 से कटेगा और ये 28 से कटेगा। हमने कहा हमें उस संख्या को छोड़ना है तो 28 को छोड़ दीजिए, बाकी 14, 7, 21, 4, 25, 2, 27 और 1, 28 कुछ ही नंबर्स होते हैं इस तरीके के, तो ये आप इसमें कह सकते हैं कि ये आपकी संपूर्ण संख्याएं होती हैं। अब मैंने आपको एक एक करके सारी चीजें बताई हैं जो चीजें आपकी होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरुआत करके रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसके बाद रियल नंबर को किसमें किसमें बांटा गया, उसके बाद रैशनल नंबर को किसमें किसमें बांटा गया, उसके बाद फ्रैक्शंस को किसमें बांटा गया, इंटीजर्स को किसमें बांटा गया, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये बताया, इवन ऑड क्या होता है। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको एड ऑन करके बताना चाहता हूँ कि डेसिमल्स भी होते हैं। अगर हम दशमलव की बात करें, डेसिमल्स की बात करें, तो डेसिमल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें डेसिमल्स की तो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके हो जाएंगे आपके रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग जो होते हैं आपके, वो आपके जैसे आपने देख लिया
कि 3.5 हो गया, 3.6 हो गया, ये सब आपके नॉन रिपीटिंग में आ गए, नॉन रिपीटिंग में आ गए। अगर हम बात करेंगे रिपीटिंग की, नॉन 3.6 हो गया इस तरीके से, और बात कर दें कि 4.5 हो गया, ये सब आपके नॉन रिपीटिंग में आ जाते हैं। अगर हम बात करें रिपीटिंग में, तो रिपीटिंग दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाले जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये डेसिमल्स होते हैं आपके रैशनल नंबर में आते हैं, ये आपके रैशनल नंबर में आते हैं, ये बात याद रखिएगा। और ये वाले जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ये भी आपके जो आते हैं रैशनल नंबर में आते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जैसे 3.55555 इस तरीके से दे रखा है, तो आप ये लिख सकते हैं 3.5 के ऊपर ऐसे करके, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे ये 3.141618 डैश डैश भाग देते जा रहे हैं और बदल बदल के नंबर आगे आता ही चला जा रहा है, तो ये आपका जो होता है, ये आपका इरेशनल नंबर में आता है, ये आपका किसमें आता है, इरेशनल नंबर में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में ये वाला पार्ट। बाकी टर्मिनेटिंग का ये वाला जो पार्ट होता है, ये भी आपका रैशनल नंबर में ही आता है। तो ये एक पॉइंट था डेसिमल के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में बटता है, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको इवन ऑड के बारे में बताया, मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया कि प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं, कि नेचुरल नंबर्स को भाज्य और अभाज्य दो संख्याओं में बांट दिया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने ट्विन प्राइम के बारे में बात की, द्विक अभाज्य संख्या के बारे में बात की, फिर हमने परफेक्ट नंबर के बारे में बात की, संपूर्ण संख्या के बारे में बात की। इस तरीके से मैंने एक एक करके आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं के वर्गीकरण में कैसे कैसे नंबर्स को डिवाइड किया गया है, एक एक करके कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को क्लियर करें। अब अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, इन पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे, हम उन पे बात करेंगे, उन पे काम करेंगे, कैसे इन पॉइंट्स को उस पे यूज करेंगे, इस चीज को देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।